खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस नगर में सफाई व्यवस्था को और भी चुस्त और दुरुस्त करने के उद्देश्य से हाथरस नगर पालिका परिषद द्वारा नए कूड़ा वाहक वाहन खरीदे गए, जिनको की आज हरी झंडी दिखाकर नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने नगर में रवाना किया। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ पूर्व सांसद राजेश दिवाकर भी मौजूद रहे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सफाई व्यवस्था को हाथरस की और दुरुस्त बनाने के लिए हम लोगों ने अभी 4 टेम्पो परचेज किए हैं, जिसको अभी हमने सफाई की टीम को हैंडओवर किया, जिसके द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था और चुस्त और दुरुस्त और सुदृढ़ बने। आने वाले समय में हम और भी टेम्पो खरीदेंगे, जिससे कि हमारे नगर हाथरस नगर में जो नए वार्ड जुड़े हैं, जो हमारा परिसीमन के तहत हमारे वार्ड बढ़े हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कर सकें, उसके लिए हम लोग आने वाले समय में और टेम्पो की व्यवस्था करेंगे। अभी आज 4 टेम्पो खरीदे गए, जिसमें हम लोगों ने आज उसका उद्घाटन किया, वो चारों को हम लोगों ने रवानगी दी है। जय हिंद, वंदे मातरम। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।